Hey guys, let's start. नौ बजे पक्का 9 बजे लिखता हूँ 9 बजे लिखता हूँ पक्का कभी भी दोस्तों आई एम ऑन चैप्टर नंबर 3 आर यू रेडी नाउ सो लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम ऑन चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आप सभी लोग 3.1 पेज पे एक चिट्ठी लगाओ जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करेंगे ना 1 तारीख को क्लास है कल तक परसों चैप्टर दोस्तों चिट्ठी लग चुकी होगी 3.1 पे जल्दी से करो ना? कब अभी अभी सेकंड को Hey guys, welcome back. So moving on, chapter number 3. Dosto, can you please write on this? Strategic decision making mein chitthi laga denge aap sabhi log. Aur likho, examples likho. Tata Chorus, $12 billion. Strategic decision making wo hote hai jo bahut hi mehenge decisions hote hai. Aap sabhi se darkwaast hai ki aap achche se padhe. थ्री पॉइंट वन पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग वहां पे चिट्ठी लग चुकी होगी और लिखेंगे टाटा कोरस $12 billion लिखो फेसबुक व्हाट्सएप $19 billion फेसबुक व्हाट्सएप $19 billion नंबर 3 एग्जांपल जियो लॉन्चिंग 1.5 लाख करोड़ जियो 1,50,000 crores 1,50,000 crores भाई साहब बैठ जाइए प्लीज कैमरा के सामने बता रहा हूं आप लिखेंगे दोस्तों लिखो फेसबुक इंस्टाग्राम $1 billion फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया $1 billion नेक्स्ट बायजूस आकाश $1 billion बायजूस आकाश $1 billion मित्रों आपने सारे जो एग्जाम्पल देखे आपसे मेरा सवाल है कोई आपको काम वाली बाई को हायर करना है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं है क्योंकि खराब हो तो बदल देंगे आपको लैपटॉप लेना था लेनोवो लेना क्या सोनी लेना ये कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग खराब हो तो चेंज कर सकते मोबाइल लेना है कंपनी 8 घंटे चलाना है कि 8.5 घंटे डजंट मैटर ऐसे छोटे निर्णय को स्ट्रैटेजिक नहीं कहा जाता
स्ट्रैटेजिक डिसीजन उसको कहा जाएगा जहां पे आपका बहुत पैसा इन्वॉल्व है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अंडरलाइन द वर्ड। सेकेंड इसमें कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, लिखो ब्रैकेट में लार्ज, 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे आपको, लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व। बताओ बच्चों, जियो को लॉन्चिंग करेंगे, कोरस को एक्वायर करेंगे, फेसबुक ने व्हाट्सएप, ऐसे निर्णय कौन लेगा, टॉप लेवल या बॉटम लेवल? अंडरलाइन द वर्ड फर्स्ट पॉइंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, अंडरलाइन द वर्ड। दोस्तों 2010 में जियो का लॉन्चिंग हुआ था, फायदा 2022 में हो रहा है। ऐसे फैसले लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अंडरलाइन द वर्ड फोर्थ इसमें लॉन्ग टर्म, फोर्थ इसमें लॉन्ग टर्म, फोर्थ इसमें लॉन्ग टर्म। ऐसे फैसले फ्यूचर के लिए, ओके, पास्ट के लिए। 2014 में इंस्टाग्राम को लिया था फेमस, 2022 में हुआ, अंडरलाइन द वर्ड लॉन्ग टर्म, अंडरलाइन द वर्ड फ्यूचर ओरिएंटेड। नंबर पांच में, नंबर पांच में फ्यूचर ओरिएंटेड। दोस्तों एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी फैसले होते हैं, ये फैसले लेने से पहले आपने बहुत सोचना चाहिए कि कम सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी आर नहीं तो पार होगी। आप बर्बाद भी हो सकते हो या आबाद भी हो सकते हो। मित्रों अंडरलाइन द वर्ड, आपको पॉइंट नंबर थ्री में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पूरी तरह से समझ के ही एक्वायर करना, वरना आपकी विकेट जा सकती है, आप लूट सकते हो। एक बात पूछू क्या? बताओ बच्चों, टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, सिर्फ पैसे लगेंगे या फिर मार्केटिंग भी, एचआर भी, लोग भी? सी, एक धंधा अगर बर्बाद हुआ ना तो बहुत धंधों के ऊपर असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक फाइनेंस वाली स्ट्रैटेजी होती है किसी को एक्वायर करना, ऐसा नहीं है। टाटा ने कोरस को एक्वायर करने से सिर्फ पैसों से बात नहीं होगी, आपको नए मार्केटिंग की टीम लगाना होगी, आगे बोलो, आपको प्रोडक्शन की नई टीम लगाना पड़ेगी, आपको इन्वेंटरी की, एससीएम की, सीआरएम की, अंडरलाइन द वर्ड मल्टी फंक्शनल। ये जितने भी बड़े निर्णय होते हैं उसका इंपैक्ट एक नहीं, कई जगह पर होता है। आपका पैसा होकर कुछ नहीं चलेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए आपके पास में। दोस्तों आपके ये सवाल को याद रखना, इसको लिखते हैं डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। याद रखना क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। भाई साहब नीचे बैठ जाए कैमरा वाले। डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बताएंगे दोस्तों, जितने भी बड़े एग्जांपल है, टाटा, कोरस, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, 1.5 लाख करोड़ जियो ने लगाए। आपसे मेरा सवाल है, ऐसे फैसले टॉप लेवल लेंगे बॉटम लेवल? फ्यूचर के लिए के पास के लिए? आपके पास ज्यादा पैसा चाहिए क्या, कम पैसा चाहिए? आपको क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है? इसका इंपैक्ट एक डिपार्टमेंट पे होगा या बहुत डिपार्टमेंट पे? और ऐसे वैसे टॉप लेवल लेंगे या बॉटम लेवल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, फ्यूचर ओरिएंटेड या बॉटम ओरिएंटेड? ये सब कुछ लिखा है, एक बार देख लो जरा बच्चों, बताना बच्चों क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्वेश्चन था? डायमेंशन, ऐसे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग डायमेंशन बोलो, नंबर वन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, फ्यूचर या पास्ट, और टॉप लेवल लेंगे क्या बॉटम लेवल, और इसको पैसा लार्ज लगेगा, लार्ज पैसा। नंबर पांच और छह और बोलिएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगेगी, और लास्ट में इसका इंपैक्ट सिर्फ एक पे नहीं होगा, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ लगेगा। और खत्म हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट बाजू में। दोस्तों हम लोग है चैप्टर नंबर थ्री के सेकेंड इसमें 3.1 पे, दोस्तों लगा देंगे चिट्ठी यहां पे, इंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, पांच बच्चे होंगे, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दोस्तों विजन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ डिटेल में, मिशन नेक्स्ट पेज पे दिया डिटेल में, गोल्स ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पेज पे दिया। अब भी पढ़ेंगे सिर्फ बिजनेस डेफिनेशन एंड मॉडल, लगा दो चिट्ठी बिजनेस डेफिनेशन के बारे में। किसी को याद है बिजनेस डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? सर कुछ भी याद नहीं, आप बोलो बस। आपको अपने बिजनेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को आप सर्व करना चाहते हो। लिखो बिजनेस डेफिनेशन के बारे में, लिखो चिट्ठी लगा के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन
द टारगेट मार्केट. अच्छा, ये डिफाइन करना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द टारगेट मार्केट. एग्जाम्पल लिखो, रोल्स रॉयस एप्पल. सच में खांसी आ रही. लिखो डैश के लिखो प्रीमियम कस्टमर. प्रीमियम कस्टमर एप्पल और रोल्स रॉयस का पहले से डिफाइंड है. हम लोग प्रीमियम कस्टमर को ही सर्व करेंगे. और लिखो अभी दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा मारुति फास्ट ट्रैक वॉचेस, मारुति फास्ट ट्रैक वॉचेस, अब बोलो आगे क्या लिखेंगे. लिखो आम आदमी के लिए, कॉमन मैन. दोस्तों अगर आपकी सीए की फॉर्म आती है, पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा आप लोग किसको किसको सर्व करना चाहते हैं. बाद में दुखी होना नहीं. जिसको डिफाइन कर लेना उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना. रोल्स रॉयस फास्ट ट्रैक में फर्क है ना. रोल्स रॉयस बोलता है कि मैं प्रीमियम को ही सर्व करूंगा, फास्ट ट्रैक बोलता है आने दो सबको. बिजनेस डिफाइन कब होना चाहिए? बिजनेस चालू करेंगे तभी बाद में. अगला सवाल लगेंगे बिजनेस मॉडल, लगा दो चिट्ठी. बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल. मॉडल में, मॉडल में लिखो प्लीज. मॉडल में को मॉडल, बिजनेस मॉडल ऑफ कॉन्राड एंड बिजनेस मॉडल ऑफ जेडब्ल्यू मैरियट. लिखो बिजनेस मॉडल में, लिखो अब लिखो बिजनेस मॉडल ऑफ कॉन्राड. कॉन्राड एक होटल है, CONRAD. कॉन्राड, बिजनेस मॉडल ऑफ कॉन्राड, CONRAD. कॉन्राड, बिजनेस मॉडल ऑफ कॉन्राड एंड बिजनेस मॉडल ऑफ जेडब्ल्यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. दोनों का मॉडल अलग अलग है. ऑल दो दे आर इन द सेम इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी दो कंपनी के बिजनेस मॉडल अलग हो सकते हैं. लिखो जियो एयरटेल ऑल्सो हैव व्हाट डिफरेंट बिजनेस मॉडल. जियो, Jio and Airtel are having different business model. Different business model. Say business model kisko bolte hain? Likho business model means pricing strategy. Pricing strategy. Source of revenue. Aapko pata hai? ये जो कॉन्सेप्ट है ना एमएक्स प्लेयर में, देखो ब्रैकेट में एमएक्स प्लेयर नेटफ्लिक्स, दोनों का मॉडल अलग है. एक बोलता मैं आपसे नहीं कमाऊंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट इतनी डाल दूंगा परेशान हो जाएंगे. यूट्यूब का भी वही चक्कर है, पैसा नहीं लेता वो, सिर्फ एड डालेगा. और नेटफ्लिक्स बोलता है एड नहीं डालूंगा, अपने को पर मंथ पैसा चाहिए. देखो एमएक्स प्लेयर नेटफ्लिक्स, दोनों का मॉडल अलग है. दोनों भी ओटीटी प्लेयर है, पर दोनों का मॉडल अलग अलग है. दोस्तों के एक इंडस्ट्री में दो लोगों के मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं. नेटफ्लिक्स एमएक्स प्लेयर तो समझ गए होंगे. दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आ जाना, लगा दो चिट्ठी. एक साइड में लिखो विजन, एक साइड में लिखो मिशन. विजन मिशन मिशन विजन मिशन विजन विजन मिशन. लोगे दोस्तों पेज नंबर 3.2, एक साइड में लिखेंगे विजन, एक साइड में लिखेंगे मिशन. और लिखो It answers where we want to be. Vision के लिए नीचे लिखेंगे आप. It answers where we want to be. एक साइड में vision, एक साइड में mission. Vision के नीचे लिखेंगे. It answers where we want to be.
जो हमारा पढ़ाई चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। आपको अभी तक हमने कितने चैप्टर्स किए ऐसे? वन किया, फोर किया, सेवन किया, फाइव किया। आपको पता भी होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। वन हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, सेवन हो गए। इस तरह से अभी हम लोग अटैक करें थ्री के ऊपर, यानी कि ये चैप्टर होने के बाद में आप कहेंगे पांच चैप्टर के ऊपर हमारा एकदम कमांड आ चुका है, ठीक है ना? ओके एवरीवन, मित्रों ध्यान दे, एक साल में विजन लिखा होगा, एक साल में मिशन लिखो, इट आंसर्स वेयर वी वांट टू बी, लिखा विजन बच्चों, इट आंसर्स व्हाट वी आर व्हाट वी डू, हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। इट आंसर्स व्हाट वी आर व्हाट वी डू, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूचरिस्टिक, प्रेजेंट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड विजन, विजन आपको देखिए आप मुझे कहां जाना, देखो मेरा हाथ देखो, देखो वो वहां जाना है मुझे दोस्तों, वही है जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी, पांच साल बाद मैं उस जगह पे जाऊंगा, बस उसी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ये मेरे सवाल का जगह वेयर वी वॉन्ट टू बी, क्या करे लिखो रे, आप लोग मुझे मुद्दे से भटका रहे हो। लिखो बच्चों, इट आंसर्स व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू, लिखा ना अपने। एक होगा फ्यूचरिस्टिक, विजन है फ्यूचरिस्टिक, विजन इज फ्यूचरिस्टिक एंड मिशन इज व्हाट, प्रेजेंट ओरिएंटेड। एक फ्यूचर वाला, एक प्रेजेंट वाला। एक बात पूछूं मैं, जिंदगी में ऐसा कब होगा कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया? जब हम लोग विजन अचीव कर लेते हैं। लिखो विजन इज अ सक्सेस, विजन पा लिया मतलब कहेंगे आपने सक्सेस को पा लिया। विजन मतलब ऐसा कहेंगे कि आपने सक्सेस को पा लिया। और मिशन में लिखो इट इज अ की ऑफ सक्सेस, मिशन आपकी की ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस नहीं, सक्सेस पाने की एक, सक्सेस पाने का एक तरीका होता है, जरिया होता है। ओके अब मैं जो सवाल पूछूंगा जवाब देना बच्चों। अभी दो तीन विजन तो लिख ही लेंगे, अब लिखो विजन के नीचे एग्जाम्पल बोल के लिख देना। हाँ लिखो फ्लिपकार्ट टू बी द अमेजोन ऑफ इंडिया, फ्लिपकार्ट बोलता है मैं अमेजोन जैसा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं अमेजोन जैसे बन जाऊंगा, ऐसे मतलब ये भी विजन में लिखना है। आगे वाला जो बोल रहा हूं मैं, लिखो अमेजॉन का विजन। नेक्स्ट एग्जांपल, विजन के नीचे दूसरा एग्जांपल, विजन के नीचे अमेजॉन लिखो। याद तो आपको होगा नहीं, टू बी द कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड, टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड, टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड। To be the most customer centric company in the world, यानी कि लोग जो मांगेंगे वो मेरी वेबसाइट पे मिलना चाहिए, ऐसी वेबसाइट मुझे बनाना है। तो विजन पा लिया क्या, पाना है? अभी तो बहुत दूर है मंजिल, बहुत दोस्तों। लिखो एग्जाम्पल एयरटेल, टू बी द ग्लोबली एडमायर्ड टेलीकॉम कंपनी, हम ऐसी टेलीकॉम कंपनी बनना चाहते हैं जिसको लोग दुनिया भर से सिर्फ चाहेंगे। टू बी द मोस्ट ग्लोबली एडमायर्ड टेलीकॉम कंपनी, टू बी द मोस्ट ग्लोबली एडमायर्ड कंपनी, एयरटेल का विजन है ये। सर ये सारा विजन देखते कि टू बी क्या है, टू यानी कि बनना है ना, इसलिए बी भी लिखे है, इंग्लिश है, बी यानी कि पाना है उसको, है नहीं पाना है, पाना चाहते हैं, पाने वो हमारी वो है जिसको देख के हम लोग और काम करना चाहते हैं, दैट्स अ विजन राइट। आप लिखो मिशन के एग्जांपल, लिखो एयरटेल का मिशन, एयरटेल का मिशन, वी देखते हैं कितना लोग आता है, वी प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेज, मिशन में लिखो एयरटेल का मिशन, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम सर्विस, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम सर्विस।
आप लिखो यूट्यूब का, वी प्रोवाइड फास्ट एंड इजी वीडियो एक्सेस, वी प्रोवाइड फास्ट एंड इजी, वी प्रोवाइड फास्ट एंड इजी वीडियो एक्सेस। लिखो दोस्तों, गूगल, वी ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। गूगल में लिखो, गूगल में वी ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, दुनिया के हर जगह की इंफॉर्मेशन हम लोग पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड मेक इट एक्सेसिबल। हम पहले कलेक्ट करते फिर एक्सेसिबल करते हैं। ओके गाइस, आप जानते होंगे विजन मिशन में कर चुका हूं। दोस्तों आपसे सवाल एक जवाब देंगे दोनों, अभी प्लीज दोनों के तीन तीन एग्जांपल याद कर ले, याद हो एक बार आप पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़िएगा। मिशन में और विजन में क्या डिफरेंस है, एक बार देखिए। पढ़ लिया आपने? क्या आप बता सकते हो दोस्तों मिशन के तीन एग्जाम्पल यूट्यूब के बारे में? वी प्रोवाइड फास्ट एंड इजी वीडियो एक्सेस, उसके बाद में एयरटेल, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम्स। गूगल, वी ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड। अच्छा, ये मिशन कर रहे हैं कि करने वाले हैं? कर रहे हैं, अभी है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे तो विजन में आता, हम करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसलिए यहां पे प्रेजेंट आर इसका इस्तेमाल होता है। विजन में बी टू बी दो ऐसा होता है, इट्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। एक बात पूछे आपसे, विजन के दो तीन एग्जाम्पल बता देंगे, विजन का एग्जाम्पल एयरटेल के बारे में बताओ, ग्लोबली एडमायर टेलीकॉम कंपनी, दूसरा एग्जाम्पल आप बताएंगे दोस्तों, फ्लिपकार्ट टू बी द अमेजॉन, और अमेजॉन के बारे में टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों किसको सक्सेस कहेंगे और किसको की ऑफ सक्सेस कहेंगे? मिशन, एक बात पूछू क्या, कब आपको लगता है किसकी वजह से क्या अचीव कर सकते हैं? मिशन अच्छा होगा अगर मैं एरर फ्री सर्विस देता रहूंगा, मैं एयरटेल है तो मैं एक दिन ग्लोबली एडमायर बनूंगा। तो लिखो, विद द हेल्प ऑफ मिशन वी कैन अचीव विजन, ऐसा मिशन के नीचे लिखो, विद द हेल्प ऑफ मिशन वी कैन अचीव विजन। विद द हेल्प ऑफ मिशन वी कैन अचीव। एक बात पूछे आपसे, अभी अगर आपसे मैंने पूछा व्हाट इज विजन, लगाओ चिट्ठी, अरे चिट्ठी लगा के लिखो, व्हाट इज, ये डिफरेंस हो गया ना, कितना लिखोगे डिफरेंस आप, और डिफरेंस की दुनिया से बाहर आओ, आप लिखो व्हाट इज विजन, विजन क्या होता है? सर विजन एक चीज है, जो विजन होता है ना एक ड्रीम होता है, चाहत। लिखो विजन इज एस्पिरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट की चाहत है, एस्पिरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इसके ही चाहत में जीता है। टॉप मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन। अच्छा, तो जिसके जिसके दुनिया में विजन ही नहीं होगा तो फिर क्या होता होगा उसको, वो सिर्फ दुकान में जाता फिर आता फिर जाता आता फिर आता और फिर जाता, उसको ये पता नहीं जाता था क्यों है। आप ऐसे राही बने हो जो भटक जाओगे, अगर राही को राह चाहिए उसके पास में विजन होना जरूरी है। विजन आपके रास्ते क्लियर, यानी कि विजन गिव्स यू डायरेक्शन, लिखो विजन गिव्स डायरेक्शन,
to the organization. Vision gives direction to the organization. Organization ko direction kaun dega? Vision. Next point. एक बात पूछूं मैं आपसे, ये कंपनी के फ्यूचर का रोड मैप है, इसका मतलब क्या है? एक फ्यूचर है ताकि हमें रास्ता मिले, तो इट इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. हमें पता है कि आखिर ये रोड कहां तक पहुंचना चाहिए. अच्छा, किसी कंपनी का विजन ही ना हो तो सब काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं और कहां जाना ये भी नहीं मालूम. सिर्फ गाड़ी चलाते चलाते पता ही नहीं जाना कहां है, चला रहे कहां जा रहे, चलो यार बस पता नहीं, भटक जाओ. लिखो वहां पे, इट इज द रोड मैप ऑफ, ए स्मॉल पैकेट लिखना, इट इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. इट इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. कंपनी के फ्यूचर का ये रोड मैप है. सर एक बात पूछू, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड विजन? विजन के लिए स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बना बना के क्या अचीव है? लिखो, स्ट्रैटेजीज आर मेड टू अचीव विजन. वो एक दिशा है ना, संस्कार. स्ट्रैटेजीज आर मेड टू अचीव विजन. स्टडीज आर मेड टू अचीव विजन. स्टडीज बनाते हैं ताकि हम विजन को अचीव कर सके. दोस्तों एक ही क्वेश्चन बाकी है विजन के एलिमेंट्स. एक क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे लिखो ओला कैब्स. यहां पे ये जनरली मैं ओला के थ्रू याद करता हूं. अगर आप ओला में बैठे तो उसको बोले भैया चलो, वो क्या पूछता? मैं चलाता पर कहां, बोने पूछने का, बस आप लेके चलो मुझे बताओ. वो बोलेगा तो ओला के उतर यहां से. आप ओला में बैठे तो सबसे पहले कहां पूछने का नहीं, आप जहां राह ले जाएगी वही मेरी मंजिल. ऐसा नहीं होता, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि वेयर यू वांट टू गो. अंडरलाइन द वर्ड वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी आर गोइंग. आपको पता है जब ओला की आप ऐप खोलते हो ना, सबसे पहले आपकी करंट लोकेशन लेता है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ओला ऐसा देखो, कभी ओला बुकिंग किया क्या नहीं गई? और दूसरा डालते कि आपका डेस्टिनेशन क्या है. एक बात पूछे आपसे, आप ओला में और आपको पूछा नहीं जा रहा कहां पे जाना, ऐसा नहीं होगा ना? कहां पे है? प्रेस्टीज पॉइंट पे है, कहां जाना? कोरिया पार्क में जाना है. तो तब जाके वो रास्ते ढूंढ पाता है. तो बच्चों विजन जो होता है ना, विजन एक बता दो, अपन विजन जाना है तो आपको कहां जाना है वो विजन है. वो बोलते हैं विजन ऐसे नहीं होता. अगर आपको यही पता नहीं आज आप कहां हो तो कहां जाना है ये डिसाइड नहीं कर सकते. आई रिपीट. अच्छा तो आपको विजन है नहीं कि आप वेर यू वॉन्ट टू बी, तो आपको ये क्यों पता मुझे आप आज कहां पे हो? नहीं, आपको कहां जाने में मालूम है पर आप आज कहां हो ये पता नहीं. नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं कि आंखें आपके ब्लाइंड करके किसी गली में छोड़ दिया आपको और आपको कहा मुझे जाना है प्रेस्टीज पॉइंट पे, आप बोलेंगे मैं जाता हूं वहां पर, मैं अभी कहां है, मैं ये अनजान गलियों में मुझे कहां लाया, मुझे ये तो बताओ मैं. तो सबसे पहली बात पता होना चाहिए आज आप कहां हो, आपको जाना कहां है, और तीसरी बात है आप उस विजन को कम्युनिकेट करते हो. मुझे बताओ अगर आपको एसपीसी का विजन मुझे पता है और मैंने इस विजन को किसी एम्प्लॉय को बताया ना तो क्या होगा? चलो मुकेश अंबानी को विजन खुद को ही मालूम है, वो किसको बोलता ही नहीं. विजन अकेले के काम करने से अच्छी नहीं, उसको सबको बोलना पड़ेगा. अच्छा एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप ऑटो में बैठे हो, आपको पता है आज कहां यहां पे है, आपको खुद को भी पता है कहां जाना है. वो ऑटो ड्राइवर पूछ रहा है भैया कहां जाना है, मेरे माइंड में तू चल. वो बोल रहा भैया मुझे बताओ, मैंने बोला ना मेरे माइंड में, मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा. अरे गाड़ी में चला रहा तू बोल मेरे को चलाना, तू तो बैठा है पीछे,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर टॉप मैनेजमेंट को विजन मालूम है और बाकी लोगों को नहीं मालूम है तो बाकी लोग कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे एसबीसी का विजन मालूम है, मैंने मेरे सारे एम्प्लॉय को विजन बताना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 में टॉप मैनेजर को पता होना चाहिए विजन कहां है। पॉइंट नंबर 3 में उसने सबको बताना चाहिए। एक क्वेश्चन 2-3 बार एग्जामिनेशन में चाहे एलिमेंट, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विजन के 3 एलिमेंट्स बोलो कौन से एलिमेंट्स ऑफ विजन। विजन बना दे कैसे, पहले पता चाहिए वे वी आर। अभी 2 नंबर में एक्चुअली आपके हिसाब से 2 ही आंसर होना चाहिए, पर अगर दोस्तों ये पॉइंट नंबर 2 अगर किसको पता ही नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, बिकॉज विजन अकेले से अच्छी नहीं, तो उसको सारी संगठना चाहिए, पूरा एम्प्लॉय चाहिए। बताओ बच्चों विजन के 3 एलिमेंट्स, नंबर 1 मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, और तीसरी बात है उसको कम्युनिकेशन करना जरूरी है कि हमें जाना कहां है। क्या नाम है इस क्वेश्चन का, एलिमेंट्स। ओके नेक्स्ट मित्रों, मिशन पे आओ, चिट्ठी लगाओ। कोई बताएगा मिशन क्या होता है, लगाओ। दोस्त एक सवाल पूछता, मिशन बनाते क्यों है, बनाते क्यों लिख रहे हो, पर क्या मिशन है। आप लिखो चिट्ठी लगा, लिखो व्हाट इज मिशन, व्हाट इज मिशन, आखिर मिशन है क्या। उसके 2 आंसर देता है, व्हाट वी आर व्हाट वी डू, हम कौन है। लिखो लिखो, मिशन के 2 बच्चे हैं, यानी मिशन क्या करता है। देखो बच्चों दुनिया का कोई भी मिशन 2 आंसर देगा, व्हाट वी आर व्हाट वी डू। लिखो इट आंसर्स व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। आपने चिट्ठी लगाई होगी, वाल लिखा होगा व्हाट इज मिशन, लिखो इट आंसर्स 2 थिंग्स, नंबर 1 व्हाट वी आर। अच्छा एक सवाल है, मैं कौन हूं और मैं कैसे काम करता हूं। सच में ये 2 चीजें मिशन में लिखी होती है क्या, इसको आओ वेरीफाई करें। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल बोलती है वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम सर्विस, क्या सचमुच इसको देख के लगता है व्हाट वी आर व्हाट वी डू होता है। व्हाट वी आर टेलीकॉम कंपनी, व्हाट वी डू वी प्रोवाइड एरर फ्री, समझ गया। चलो यूट्यूब क्या होता है, वी प्रोवाइड फास्ट एंड ईजी वीडियो एक्सेस, इसमें व्हाट वी आर क्या है, वी आर द वीडियो प्रोवाइडर। What we are, what we do. तो हम लोग क्या कहते हैं, what we do? We provide fast and easy. Yes. समझ गए? तो देखो ऐसा कोई भी मिशन नहीं होना चाहिए जिसमें इन 2 सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। अगर मैं बोलता हूं एयरटेल बोलता है वी प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेस, तो ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, क्योंकि वो बोल रहे हैं वी प्रोवाइड, अरे पर काय में कौन से धंधे में तो है कौन, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम्स, यानी कि वो बोलता है मैं कौन हूं, टेलीकॉम हूं, मैं कैसे काम करता हूं, एरर फ्री करता हूं। कोई भी मिशन ऐसा ना हो जिसमें 2 सवालों का जवाब ना दिया गया हो। मित्रों अगर मैं आपको बोलता हूं एसपीसी का या ईआईएसएसएम एफएमईको का, आप मुझे बताओ मिशन स्टेटमेंट मैंने आपको बनाने का जिम्मा दिया, जहां पर आपको ना व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू, बताओ हम कौन है, वी प्रोवाइड एजुकेशन, हम कौन है और क्या कैसा करते हैं। आपको 1-2 लाइन में बताना है अगर एसपीसी एफएमई को या ऐसा मुझे बनाना है, क्या बनाना है कि मिशन, क्योंकि मिशन जनरली बनाते हैं उन लोगों के लिए जो उनको हमारे बारे में पता नहीं होता, तो रहेंगे वो एसपीसी से बात करने से अच्छा एक काम करते हैं मिशन स्टेटमेंट पढ़ लेते ताकि एसपीसी का ज्ञान मिले। बताओ कैसा बनाएंगे, वी मेक CA स्टडीज इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी बाय गिविंग रियल लाइफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, समरी चार्ट्स, रिविजन्स एक्सेट्रा। इसमें क्या बोला, वी प्रोवाइड
सी ए एजुकेशन, यानी कि समझ गया कौन है, कैसा करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके उसका रिविजन करके, अच्छे नोट्स देके रिविजन लेके सब करते हैं. वी प्रोवाइड सी ए एजुकेशन, बोलते वी मेक सी ए स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग एंड इजी बाई डूइंग वॉट, बाई गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रिविजन, टेस्ट एक्सेट्रा. समझ में क्या बोला? तो ये क्या हुआ, अगर मुझे बनाना तो मैं ऐसा बनाऊंगा, अगर मुझे बनाना ही चाहे तो. समझ आया? एक बात मैं पूछूं आपसे, बताओ बच्चों मिशन के बारे में आपको, व्हाट इज मिशन, ऐसा चार मार्क के लिए आता है एग्जामिनेशन, लिख पाएंगे आप? तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखा आपने बताए, प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है कि फ्यूचर? प्रेजेंट ओरिएंटेड, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, लिखो प्रेजेंट ओरिएंटेड. उसके बाद में इट इज द की ऑफ सक्सेस. अब आप ही देखो, मैं रिवीजन लूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, रियल, यही तो मेरा की ऑफ सक्सेस है. अगर ये सब नहीं करूंगा तो आप मेरे पास क्यों आएंगे? इट इज द की ऑफ. नेक्स्ट नंबर 4, मिशन हमेशा शॉर्ट, इट शुड बी शॉर्ट कॉमा सिंपल एंड नॉट वेग. शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वेग नको, यानी कि इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर को मद्देनजर रखते बनाया होना चाहिए. बिकॉज मिशन बनाते हैं उनके लिए, बिकॉज वो हमारे बारे में जानते नहीं, उनको पता करवाना कि हम कौन है. इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड. मैं एक बात पूछूं, मिशन किसी का कॉपी पेस्ट नको? ये जो मिशन है जो मैं किसी और से, तो मैं बायजूस का मिशन कॉपी नहीं कर सकता, उनका तरीका अलग है, मेरा अलग है. लिखो, इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट, इट शुड बी यूनिक. वो आपका अपना खुद का होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए. नो, इट शुड शो योर पावर पोटेंशियल, आपकी वो ताकत का प्रदर्शन करे. मिशन बनाते हैं ना ताकि लोग उसको देख के प्रभावित हो, जो आपकी ताकत का अंदाजा लगा सके. YouTube क्या बोलता है, वी प्रोवाइड फास्ट एंड ईजी वीडियो, यानी कि उसकी पावर दिख रही है. हम फास्ट भी देते हैं, ईजी भी देते हैं. लिखो वहां पर क्या लिखेंगे, इट शुड शो पावर पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल का वो प्रदर्शन करे. इट शुड बी, आपने ये सब लिख दिया होगा, अब मिशन क्या है वो समझ गया, मिशन के एग्जाम्पल भी लिए. पता है एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है? इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग मिशन. मिशन लिखते समय कौन सी बातों को सोचे, बहुत सिंपल है, वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए. नंबर 4 बात लिखा देखो यहां पर, यूनिक यानी कि आपकी स्पेशल आइडेंटिटी हो, यूनिक यानी दोनों पॉइंट का मतलब सेम है. वो किसका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी यूनिक होना चाहिए किसी से, मतलब वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, आपका खुद का होना चाहिए. तो पॉइंट 1 और 4 में आप एरो लगा दो, दोनों का मतलब सेम ही है, वो आपका एक स्पेशल होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए. सर जब मिशन लिखा जाता है, अंडरलाइन द वर्ड, वो कस्टमर को मद्देनजर रखते होना, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए. इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड. और पता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपका शक्ति प्रदर्शन हो, आपकी टेक्नोलॉजी का लोगों को अंदाजा लगे, आपकी कॉम्पिटेंसी का अंदाजा लगे और आपकी एक्टिविटी का अंदाजा लगे. कोई आपका मिशन भी पढ़ लेना, उसको सब समझ आप कौन हो. अच्छा चलो एक काम करते, इस पॉइंट को वेरीफाई करते. एयरटेल बोलता है वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम, मतलब एरर फ्री दे रहा है, इसका मतलब क्या, हमारी एक्टिविटी एरर फ्री देने की है. हम इतने ताकत और सक्षम है, यानी कि हमारी कॉम्पिटेंसी हम एरर फ्री दे सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी भारी है ना, हम एरर फ्री देते हैं. यानी कि हालांकि वो लाइन बहुत छोटी सी होती है, पर आपकी शक्ति का वो प्रदर्शन करवाती है. वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकॉम, हालांकि 3-4 शब्द ही है, पर ये तीनों का भी अंदाजा लग जाता है. आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, ये लिखा है कि जब आप मिशन लिखते हो तो कौन सी 4 बातें आपके दिमाग में होना चाहिए. 1, इट शुड बी यूनिक. 2,
वो आपका यूनिक, वो स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए, वो किसी से कॉपी पेस्ट मत करो। तीसरी बात, वो कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए बनाए। और चौथी बात, वो आपके कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटी का प्रदर्शन करे। हो गया क्या? अब देखते हैं वाई और वाई, यानी कि दोनों क्वेश्चन अलग है। ये लिख रहा है कि आप लिखते समय क्या करें, और अब लिखा है कि आखिर आपने मिशन क्यों बनाना चाहिए। बगैर देखिए बताएंगे दोस्तों, मिशन क्यों बनाते होंगे? चलो मान लो बनाएंगे नहीं तो, अरे मिशन बनाएंगे नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 ब्रांच है, एक ब्रांच अलग काम करेंगी, दूसरी अलग तरीके से करेगी। इसलिए दोस्तों इसमें है 1.2 नहीं 1.2.3 के होता है, 1.2 पॉइंट एंड 4th पॉइंट, तीनों एक जैसे लगते हैं मुझे। बोलते हैं मिशन क्यों बनाते, पता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनानिमिटी आए, यानी कि सब ब्रांचेस एक जैसा सोचे। डीमार्ट का मिशन सिर्फ डीमार्ट की पुणे ब्रांच को नहीं पता है, पूरी इंडिया को पता है, तो उससे ज्यादा पूरी इंडिया की सारी ब्रांच वैसे ही काम करेगी। इसलिए बोलते यूनानिमिटी आएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड सेट होगा, जैसे एयरटेल ने लिख दिया कि वी प्रोवाइड एरर फ्री, यानी कि एरर फ्री बोल के उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बताया। अब सब लोग को झकमार के वैसे काम करना, स्टैंडर्ड बता दिया, अब उससे नीचे करो तो लोग आपको बजाएंगे। और चौथी बात, जनरल टोन, मतलब जनरल और स्पेसिफिक में फर्क होगा, स्पेसिफिक नहीं एक ब्रांच का, जनरल लेने की सबका। तो बताओ फोर्थ में क्या लिखा होगा, इट इज योर जनरल टोन। जनरल टोन का मतलब क्या हुआ? जनरल नहीं की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। एयरटेल के तो हजारों ब्रांचेस हो गए, हर कोई व्यक्ति जो एयरटेल में काम करता है वही बोलता होगा कि हमको सबको एरर फ्री देना है। सोचो अगर मिशन ना हो तो हर ब्रांच अपने अपने तरीके से कुछ भी अलग अलग टाइप का काम करेगी। कहते हैं ये आप मिशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि सबको क्या मिले, मोटिवेशन या डीमोटिवेशन। जैसे एयरटेल ने क्या बोला, देखो एसपीसी में जब सारे फैकल्टीज को मैंने चुन चुन के लाया तो मैंने उनको पहले मेरा मिशन बताया था। जैसे बहुत सारे फैकल्टीज का मैंने इंटरव्यू लिया था पर मुझे बहुत पसंद नहीं आया था, तो मैंने वेट करा अपने अपने पेशेंस से। पहले 2012 में हर्षित सर, अंकिता मैम आए, फिर 2014 में, 14-15 में आनंद सर आए, 16-17-18 में मान लो कभी तो राज सर आया, फिर पूजा मैम आए। ये जब लाइन आता भाई कुछ सोच के लाइक प्री डिफाइन, उनको बोला था कि मेरे को ऐसा चाहिए, फिर मुझे लगा कि वो मेरे उसमें मैच करते हैं। अगर मेरा मिशन उनको पता नहीं होता ना, वो कुछ अलग तरीके से करते और मैं अलग करता हूं, फिर आपको लगता है एसपीसी हम एक एज अ होल नहीं देखते, सबका अलग अलग स्टाइल है। ऐसा नहीं होगा, चाहे अंकिता मैम पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, अर्षद सर, हमारा रिवीजन करने का तरीका है कि हम बार बार रिवाइज कराएंगे। विल मेक श्योर कि हम लोग ना किसी पढ़ाएंगे, रिवाइज कराएंगे क्लास में आते। ये हमारा, जितने लोग थ्योरी पढ़ाते हमारा एक क्लियर करता कि हमें ना किसी पढ़ाना है, रिवाइज कराना है और याद करना है। तो आपने मेरे, अर्षद सर के और अंकिता मैम के पढ़ाने में, थ्योरी पढ़ाते समय याद किया होगा, यू गेट मी? तो उस तरह से होता है। ऐसा क्यों ना, अगर मान लो अंकिता मैम रिवीजन ले दे तो फिर वो इस लीक से अलग हो जाती। तो मिशन बनाते समय ऐसा होता है कि हम लोग मिशन ऐसा बनाए थे, यू गेटिंग मी? तो मिशन क्यों बनाते हैं? जनरल टोन के लिए, यूनानिमिटी के लिए, समझ गए वो हमारी। अच्छा वो मोटिवेशन क्यों है सबके लिए? वो अचीव करने के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं, मोटिवेशन है वो सबके लिए। जैसे हर्षित सर ने ज्वाइन किया, उनको पता था कि सर ने ये बोला है तो उनको ये ऐसे ही करना है, तो इट मोटिवेट्स नहीं किया, सर ऐसा पढ़ा कि हमको भी ऐसे पढ़ाना है। आगे व्हाट इज दैट फोकल पॉइंट? मिशन स्टेटमेंट कहते हैं फोकल पॉइंट है, बहुत ही अति महत्व सा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिशन स्टेटमेंट के बाद आपको फोकल होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कहते हैं, अच्छा बताओ गोल्स की वजह से मिशन अच्छे होते हैं, मिशन की वजह से गोल अच्छे होते हैं? मैं एरर फ्री दे रहा हूं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, मैं एरर फ्री दे रहा हूं, मैं एरर फ्री दे रहा हूं, उसके वजह से तो मैं ग्लोबली एडमायर हो रहा हूं, यानी कि मेरे मिशन से ही तो गोल अचीव ऑब्जेक्टिव होंगे अचीव। ये तो लिखा है,
गोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको मिशन करना पड़ेगा. मिशन स्टेटमेंट्स आर मेड टू अचीव गोल्स. एंड लास्ट पॉइंट गाइस, ये आपके सपनों को हकीकत में ट्रांसलेट करेगा. कभी कभी इंसान सोचता बोलते मैं ये करूंगा पर मैं वो करूंगा, पर होता क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद ही काम करता नहीं ढंग से. लोग सपने तो देखते हैं पर जब भी वो मेहनत करने की बारी आई, लोग सिर्फ और सिर्फ सपनों के बारे में और अच्छे अच्छे ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, पर वो अपने ही काम करने के तरीकों पर क्या नहीं होते, खरा नहीं उतरते. बताओ मिशन की वजह से क्या होगा, आपके सपने हकीकत में कन्वर्ट होंगे. यार बोलो ना, एयरटेल बोल रहा है मैं एरर फी दे रहा हूं, इसी मिशन की वजह से तो उसका ग्लोबली एडमायर बनने का सपना हकीकत में कन्वर्ट होगा. यानी कि मिशन की वजह से ही तो सपने साकार होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं. पर दिस पर्पसेस इनटू व्हाट गोल्स. देखो भाई, दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, मिशन क्यों बनाते हैं और मिशन बनाते समय क्या सोचते हैं. ये दोनों भी क्वेश्चन को आईसीएआई पूछती है. सिर्फ मिशन बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा वाई मिशन एंड व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन मिशन. आप एक काम करेंगे, दोनों क्वेश्चन का मुझे जवाब दे सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. बताओ बच्चों, मिशन ऐसे लिखता हूं, मिशन के ऊपर तीन क्वेश्चन पूछेंगे. व्हाट इज मिशन, वाई मिशन एंड फैक्टर्स टू बी, बोलो ना, फैक्टर्स टू बी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग. ये तीन क्वेश्चन आपके वाले लिखे हैं, आपको लिखना नहीं, इसे मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या आता है. मिशन के ऊपर तीन क्वेश्चन आएंगे. कौन से है, मिशन क्या होता है, मिशन लिखते क्यों है, और मिशन लिखते समय क्या सोचते. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या सोचना चाहिए मिशन लिखते समय. मिशन आपका यूनिक होना चाहिए, मिशन आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए. यानी कि दोनों का मतलब सेम ही, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. मिशन लिखते समय ध्यान में रखें कि मिशन बनाते हो आप कस्टमर के लिए, और मिशन जो होता है लिखते समय ध्यान रखें वो आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपकी एक्टिविटीज का शक्ति प्रदर्शन करे. मिशन क्यों लिखते हैं, देखो बच्चों, आप अगर ऐसा याद नहीं करोगे ना तो आप एग्जामिनेशन से मिशन लिखोगे ना, आपको 6 में से 2 मार्क्स मिलेंगे. उसने पूछा वाई मिशन, आप लिख के आ रहा हो व्हाट इज मिशन, फिर बोलता है मेरे को मार्क्स देते नहीं. अरे कैसे थे? वो पूछ रहा क्या मिशन क्या क्यों लिखते हैं. आप लिख के आ रहे मिशन के बारे में, मिशन प्रेजेंट ओरिएंटेड रहता है, इट आंसर्स व्हाट वी आर. अरे वो पूछ रहा ही नहीं आपको, वो बोल रहा है कि मिशन क्यों बनाते, क्यों बनाते हैं. मिशन आपको मोटिवेशन दिलाती है, और इसमें तीन पॉइंट मुझे एक जैसे लगते हैं. मिशन आपके हर ब्रांच में एक जैसी सोच लाती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल टोन बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है, वो आपके लिए एक फोकल पॉइंट है, वो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है. बस आई थिंक इतना ही है ना. हाँ लगभग वही है, मतलब ठीक है. आप देखते हैं व्हाट इज मिशन तो आपने लिख लिया था. पता है आपको, अगर मैं आपसे पूछता हूं, अरे आपने लिखा, आपको वापस नहीं लिखना, मैं तो ऐसे ही आपके लिए लिख लाओ. विजन में दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज विजन और विजन के एलिमेंट्स क्या है. तो व्हाट इज विजन तो आप सभी जानते ही है, एलिमेंट्स इसके तीन है, वेयर वी आर. हम लोग को जानना पड़ेगा विजन बनाने से पहले आज हम कहा है, वेयर वी आर गोइंग. तो ये मैं ओला के जैसे याद करता हूं कि ओला में बैठने से पहले मुझे बताना चाहिए मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, और मुझे सिर्फ मुझे ही नहीं पता होना चाहिए, ड्राइवर को भी पता होना चाहिए. हर बार जब भी ओला में बैठेंगे किसी ऑटो में, इस स्टेजेस को याद कर लेना. ओला में बैठने से 3 स्टेज रिवाइज हो जाएंगे आपके.
मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, और ड्राइवर को भी बोलना है। विजन बनाने के दिन से मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, उसको बोलना भी है, क्योंकि अगर मैं अपने बंदों को बोलूंगा ही नहीं तो मेरी हेल्प ही नहीं करेंगे। हो गया दोस्तों, इसी के साथ में हमारे दो पेजेस खत्म, और आखिरी का पेज हमारे पास में है, उसमें अंडरलाइन द वर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, लगा लो चिट्ठी इस बारे में। क्यों लिख रहे हो, तो लिखा ना ऑलरेडी, ये आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको दो मिनट में जितना लिखना लिख लीजिए इस, ये बच्चे बोल रहे हैं अच्छा लिखा है सर, हम एक बार लिख ही लेते हैं। ये गाना मैं आप सभी के लिए लगा रहा हूं, इस बैच कल खत्म हो जाएगी, हम आपको बहुत याद करेंगे। एब्सोल्युटली आई एम रेस्टलेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैच खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे, मुझे आज बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, पर मैं कैसे तैसे करके मैंने बोला कि चलो नहीं, मुझे खुश रहना है। गाना आप सभी के लिए, जाने हो कल कहां, जुदाई भी तो एक प्यार है, ये हो गया। हम हैं इस पल यहां, जाने हो कल कहां, जाने हो कल कहां, याद रखना बाद में दुआ में। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये जमीन आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेगी सदा जिसे ये ज़मीन। बोलता हो गया, लिख के हो गया क्या, लिख के रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सोता नहीं, प्यार जलता नहीं, हाँ बदलता नहीं। हम हैं इस पल यहाँ,
गया, लिखिए हम मिले या ना मिले रहेगी सदा प्यार की ये दास्तां। आप सभी को हम बहुत याद करेंगे। आपकी बैच की शुरुआत बहुत ही डेंजर हुई थी, पर इसका अंत जो है बहुत प्यार और मोहब्बत से है। ओके, आपको चिट्ठी लगाना है, लिखना है, एक साइड में गोल्स, एक साइड में ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा आपने, एक साइड में गोल्स लिखेंगे आप, एक साइड में ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, लिखो ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि आप गोल्स को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि आप गोल्स को अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स, ऐसा लिखा होगा आपने। दोस्तों सुनिएगा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डोंट हो गाइस। अगर ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता है मैंने ऐसा कुछ लिखवा के दिया था, रतन टाटा आए, 2 मिनट के लिए भाषण दिया, बोला यार ज्यादा नहीं बोलते रतन टाटा, वो आएंगे से बोलेंगे अपने को मार्केट शेयर ये आपका 2022 चल रहा है, ये 2025 है, यू रिमेंबर व्हाट इज दैट। आप मुझे बताएं, यहां से यहां जाने के लिए आप जो कुछ भी करोगे ना, आप लिखोगे 2023 में मैं हम यहां तक पहुंचेंगे, 2024 तक मान लीजिए आपका शेयर आज 14% है, यहां पे 25 बनाएंगे, यहां पे 35 और यहां पे आप पहुंच जाएंगे आगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव 1 है और ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो बनाया आपने 25% 2023 में और 25% 2024 में, दिस इज व्हाट नथिंग बट एन ऑब्जेक्टिव। तो बताएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स आर मेड फॉर, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं विजन, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं गोल्स को अचीव। तो ये हमारी गोल है। एक बात पूछूं, वो गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग क्यों होते हैं? बड़ा आदमी आके आपको ज्ञान देगा, बेटा पापा आप जब आए थे यहां पे, आप पापा बोलेंगे बेटा सीए बन के ही आना, तो यहां पर गोल बन जाता है। फिर उसको पाने के लिए आप जो छोटे 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 टारगेट्स बनाते हो ना, वो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो हमेशा जो गोल होते हैं ना, मां के शर बढ़ा देना, या फिर किसी ने कहा एक काम करो मां के शर, गोल्स अलग टाइप के होते हैं। कोई बोलेगा एक काम करो इनक्रीज इनक्रीज सेल, अरे पर किसमें काये में कुछ नहीं। गोल हमेशा बहुत ही जेनेरिक होते हैं, मां के शेयर बढ़ा दो, प्रॉफिट बढ़ा दो, टर्नओवर बढ़ा, अरे किसमें वो नहीं, कितने साल में कुछ नहीं। अगर मैं क्या बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ाओ, इनक्रीज प्रॉफिट, ये भी नहीं बोलेगा वो काये में कितने साल में कैसे कुछ नहीं। पर जब ऑब्जेक्टिव्स की बात आती ना, 2023 में कार का मार्केट शेयर 25% होना चाहिए। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कैसे होते बताओ, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं कि कार में बढ़ाना है, वो मेजरेबल होते हैं। यानी कि मतलब क्या रहे, 25% 30% गोल कभी मेजरेबल नहीं होते। मार्केट शेयर बढ़ा दो, अरे कितना कायम है कुछ नहीं, मेजरेबल नहीं, स्पेसिफिक नहीं।
ये होते हैं, कभी भी आपने गोल ऐसे बनाना चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाना चाहिए जो अचीवेबल भी है। एक साल में कार का शेयर 100% ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, अचीवेबल होते हैं। एक बात पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट? आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो गोल्स की तरफ जाए, गोल्स से संबंधित हो। 2023 में हम लोग आईपीएल में 1000 रन बना लेंगे, टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्टिव, ये कुछ संबंधी नहीं है। आप ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाओ जिसके वजह से आप गोल तक पहुंचोगे, मुझे बोलना है। और एक है टाइमलाइन, उसको बोलते हैं टाइम बाइंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बाइंडिंग? इतने समय में इतना। एक बात पूछूं, ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव हमेशा, ये तो स्मार्ट हो ही गया, साथ साथ में वो अंडरस्टैंडेबल हो। कैसे हो? अब देखो ना कितना इजी है। एक 2023 में हम लोग मार्केट शेयर ऑफ द कार 25% तक कर लेंगे। ये क्या हुआ? इजी टू अंडरस्टैंड है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी व्हाट? चैलेंजिंग। वो बोलते हैं उससे आपका अप्रेजल होगा। ये अप्रेजल का मतलब, एक साल होने के बाद में हम चेक करेंगे कि अपना मार्केट शेयर 25% तक हुआ या नहीं हुआ। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ये कौन सा, ये हमने जो लिखा है वो क्या है? स्मार्ट प्लस UCA, U Smart CA। बस बस इतना मत करिए, बस। अब सुनिए ना, आप बताइए जो हमने लिखा है, एग्जामिनेशन में पूछेंगे व्हाट आर दी, ये सब जो लिखा ना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव? यू आर अ स्मार्ट, समझ गया ना? ये हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनो एक बात, आप बताओ गोल्स और, आप लिख रहे थे ना पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, अब लिखो बताओ मैं जो बोल रहा हूं गोल्स के बारे में लिखो। आपने चिट्ठी लगाई थी ना, ये मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले आप लिखिए। गोल्स आर अल्टीमेट एंड, गोल्स आपका एक अल्टीमेट एंड है, वहां तक पहुंचना है आपको। इट्स एन अल्टीमेट एंड टूवर्ड्स विच Efforts are directed. Goals एक ऐसा ultimate end है जिसके towards हमारे हर efforts जाते हैं, यानी हमारा objective से लेकर हर कोई चीज goal तक पहुंचती है। अब लिखो measurable, objective में लिखो measurable, goals measurable नहीं होते। उसमें लिखते market share बढ़ाओ, कितने साल में कितना कुछ नहीं, measurable कहां लिखेंगे? और लिखो non measurable, गोल्स में लिखो नॉन मेजरेबल, लिखो टाइम बाइंडिंग नॉन टाइम बाइंडिंग। कौन टाइम बाइंडिंग है? ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे टाइम बाइंडिंग। अब लिखो जो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में आप बताओ ये जनरी के स्पेसिफिक है? गोल्स बोलते हैं मार्केट शेयर बढ़ा दो, ये बोलता है इतने साल में इस कंपनी में इतना बढ़ाना है। तो लिखो गोल्स में लिखो जनरल, ऑब्जेक्टिव में लिखो स्पेसिफिक। कौन सा लॉन्ग टर्म? वेरी गुड। और कौन सा शॉर्ट टर्म? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझा? लिखो मैं जो बोल रहा हूं, इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ाओ, कितने साल में किधर कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा दो। रतन टाटा के बोल के दे, मार्केट शेयर बढ़ाओ, बोले बढ़ा देंगे, इंक्रीज मार्केट शेयर। अब ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव में लिखो इंक्रीज मार्केट शेयर, वो ठीक कर देना भाई, इंक्रीज, एक मिनट,
इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 25%। डिस्प्ले में देख के ठीक कर दे, डिस्प्ले देखता हूं ना, इंक्रीज मार्केट शेयर अदन दन दन, हो गया आप कुछ मत कर, थोड़ा ठीक कर, अरे जिसको समझ रहा हो कर दो यार ठीक, लेट हिम डू इट। इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 25% इन 2023। वो आ रहा है, फापड़ा आ रहा है उसका। इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 25% इन 2023। ओके डन, हो गया, लिखिए। अब बताओ आपने क्या समझा, यू आर अ स्मार्ट सी ए, ये लिख दीजिए सब लोग, अच्छे से लिखना, जल्दी से खत्म करो इसको, ये जो लिखा है जल्दी से खत्म होना चाहिए। आप सभी को लिखना है, जल्दी से लिखिएगा। आपने लिख दिया सब, ये सब आप पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, जल्दी लिखो, टाइम नहीं मेरे पास। फिट बढ़ा दो, सेल बढ़ा दो, ये हो गया, लिखिए, हो गया। अब ये लिख देना, और गाइस अब ये लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखा है, यू आर अ स्मार्ट सीए, ठीक है ना। तो यू से अंडरस्टैंडेबल, स्मार्ट तो आपको लिखे दिया हुआ है, और सी ए प्लीज आप याद करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। यू से व्हाट, अंडरस्टैंडेबल, स्क्रीन ठीक नहीं हुई, कुछ नहीं दिख रहा हमको, ऐसे बोल रहे हो। सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही, ऐसा बोल रहा है। आप ही आप दिख रहे हो, आपने कैमरा पूरा, वो एक काम करो उसको, ओके ओके, अब देखना, अब देखना, अब चेंज किया ना उसने, अरे वहां से नहीं रहे, वहां चक्कर, उसके उल्टा कर दे, इधर करना, तूने क्या किया, आप
ओके बोल रहे, आपने लिख दिया हो गए ऐसा, ओके गाइस थैंक यू, ये हो गया लिखिए। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन से, यू आर एस मार्सी, यू फॉर व्हाट कम ऑन, ऑब्जेक्टिव हमेशा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट, टी से टाइम बाइंडिंग, सी से चैलेंजिंग, ए से अप्रेजल, यानी कि होने के बाद हम लोग चेक करके वैसा हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं वापस से ऑब्जेक्टिव बनाते किसके लिए, गोल्स को, गोल्स बढ़ा के ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, दो साल में 20% सीमेंट में बढ़ाना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे दोस्तों, यू आर अ स्मार्ट सी, यू से अंडरस्टैंडेबल, आर स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाइंडिंग, सी से चैलेंजिंग, ए से अप्रेजल। दोस्तों ये देख लो क्या लिखा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या पैसे कमाना ही ऑब्जेक्टिव होता है, कभी कभी सोशल सर्विस भी हो सकती है, कभी कभी टर्नओवर भी हो सकता है, कभी एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी हो सकती है, कभी कभी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट भी हो सकता है। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टर्नओवर और प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कभी कभी सोशल सर्विस, कभी एचआर, कभी आपका टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट भी हो सकता है, कभी कभी आपके रैंकिंग अच्छी होना चाहिए वो भी हो सकता है। तो अंडरलाइन करो, आपके ऑब्जेक्टिव कभी प्रॉफिटेबिलिटी के हो सकते हैं, कभी प्रोडक्टिविटी यानी कि मेरे स्पीड बढ़े काम करने की, मैं कॉम्पिटिशन में आगे चले जाऊं, एम्प्लॉय से मेरे संबंध अच्छे हो जाए, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छे से कर सकूं। देखो बच्चों, हर बच्चे का ऑब्जेक्टिव सीए बनना नहीं होता, वो कुछ बच्चे बोलेंगे मैं सीए बनूंगा, कुछ बोलेंगे सीए का ठीक है पर मुझे ऑलराउंडर बनना है, कुछ बोलेंगे ठीक है सीए बनूंगा पर सीए तो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं, मेरा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है, मुझे स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है। तो हर किसी बंदे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीए बनना नहीं होता, वैसे हर किसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा होगा, स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बोलो बच्चों क्या है स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अरे किया ना अपने, पहले विजन बनाते फिर हम लोग अपना सॉर्ट करते कि हम लोग कहां पे है, फिर जाने के रास्ते ढूंढते, एक रास्ता सेलेक्ट भी करते, पॉइंट नंबर तीन में से सेलेक्ट किया, पॉइंट नंबर चार में इंप्लीमेंट करते और पॉइंट नंबर पांच में वो जो हम लोग चेक करेंगे कि हमें सच में वो अच्छी हुआ है या नहीं हुआ। वापस से बोलो, नंबर वन हमें नंबर वन फार्मा बनना है, हम देखते आज हम लोग नंबर टू पे है, रास्ते बनाएंगे, हमने रैनबैक्सी को चूज किया, चौथे में रैनबैक्सी इंप्लीमेंट हुई, पांचवे में चेक किया नंबर वन बने क्या नहीं। एक सवाल इसमें से आता है हमेशा एग्जामिनेशन में, सुनो पहले पॉइंट में विजन लिखा है, एग्जामिनेशन में विजन आ गया ना तो इस विजन का जो डिटेल में अपन ने यहां लिखा है व्हाट इज विजन, तो वो वहां पे कॉपी करना है, समझा क्या। तो लिखो रीड, कहां पे रीड, पेज नंबर 3.2। सर 3.2 क्यों, अरे व्हाट इज विजन वहां पे लिखा ना 3.2 पे अपने डिटेल में, अब इधर अलग से नहीं लिखेंगे। हाँ स्ट्रेटेजी कहां पे लिखा है, रीड पेज नंबर 1.1 चैप्टर 1 में स्ट्रेटेजी देखा था ना हमने, तो तीन के सामने लिखो रीड पेज नंबर 1.1, यानी कि 1 और 3 को डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपको पता है फोर्थ नंबर वाला आपको नहीं आ रहा, मैं आपको डिटेल में लगा रहा हूं, उसके लिए चिट्ठी लगाओ चिट्ठी। सर किस बारे में भाई, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सेपरेटली सवाल पूछते हैं लोग। ये पांच पॉइंट में से जो चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा भी है। आपसे मेरा सवाल है बच्चों, पॉइंट नंबर तीन में सोचा गुरुकुल को डालना है, चौथे में गुरुकुल एक्चुअल में चालू करना है, तीन में ब्रेन लगता, चार में ब्रेन नहीं लगता, आपके समय बहुत कुछ लगता, लिखो वहां पे। बोलते इंप्लीमेंटेशन में क्या लगता है, नंबर वन लिखो स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी कि आपको स्टाफ लगेगा, लिखो नंबर टू लीडरशिप, लीडर लगेगा,
गुरुकुल डालने के सिर्फ तीन में सोचा, चौथे में आपको लोग लगेंगे, लीडर लगेगा, तीसरे में गुरुकुल की पॉलिसी बनाना पड़ेंगे, बच्चे कितने बजे घर पे जाएंगे नहीं जाएंगे, रूल्स पॉलिसीज, नंबर चार ट्रेनिंग देना पड़ेगी एम्प्लॉयज को कैसे रहना, ट्रेनिंग लिख ले, ट्रेनिंग एथिक्स आप लिख रहे हैं, आपका लॉस होगा। चौथे पॉइंट में क्या लिखना है आपको कि आप जब गुरुकुल को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ बोल के नहीं, आपको करना है ना, तो आपको स्टाफिंग लगेगा, लीडर लगेगा, रूल्स लगेंगे, लिखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम लगेगा, एडमिशंस कैसे लेंगे, सॉफ्टवेयर लिखो, कैपिटल पैसा लिखो, फर्नीचर, फर्नीचर लगेगा, पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। कहां पे? फोर्थ में। इंप्लीमेंटेशन आसान नहीं होता, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, लोग, स्टाफिंग, लीडर्स, मैनुअल्स, रूल्स, पॉलिसी, सॉफ्टवेयर सब लगेगा। बताओ चार में आपने लगा दिया, आपने गुरुकुल स्टार्ट कर दिया, पांच में चेक करें गुरुकुल वैसे चल रहा है जैसे चलना चाहिए था, या फिर रैनबैक सी चार में इंप्लीमेंट करेंगे, बोलो आगे, पांच में चेक करेंगे जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा है, हमें रैनबैक सी को एक्वायर करने थे, नंबर वन बनना था, तो चेक करेंगे नंबर वन बने क्या नहीं बने, तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन का नाम पढ़ लेना पहले, और पढ़ो एक बार, और पढ़ लो, एस एम के स्टेजेस है पांच, एक विजन, एक एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट, वहां पे पहुंचने के रास्ते, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। आपको बताया गया इन्होंने ये मॉडल बोल के सवाल पूछा है, अरे ये पांच स्टेप से उन्होंने क्या करा, ये वही लिख दिया वापस। मैं क्या करता हूं आपको, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक आईसीए का मॉड्यूल दिखा के इसका एक डायग्राम इन्होंने उत्तर ड्रॉ करवाता हूं मैं, ये क्वेश्चन हमने पहले आपको पढ़ाया नहीं है, बस एक मिनट में देख लेना, वो क्या है ना, ये जो स्टेजेस है ना उसके एक कॉपी पेस्ट बनाया उन्होंने, मैं आपको दिखा रहा हूं, दोस्तों चालू करें, Are you ready? Let's go. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सब से हंसी है,
उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Hey guys, welcome back. So, जो है समा कल हो ना हो, गाइस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बैच खत्म होने जा रही है। दोस्तों आपको लिखना है जो मैं कह रहा हूं, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार सुन लेना, बाद में ड्रॉ करना इसको। अपन ने जो पढ़ा ना अभी, कौन सा वो जो पांच स्टेप पढ़े थे आपने अभी, ये उन्हीं को ही डायग्राम में ड्रॉ किया है। पहले देख लो मैंने क्या पढ़ा था, पहले उसका विजन देखो। एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल, मॉडल है मॉडल। वो क्या पढ़ा था पहले, एसएम के 5 स्टेप्स। पहले समझेंगे क्या लिखेंगे, पहले समझाओ क्या लिखेंगे, समझो पहले। वो बोलता पहले विजन बनाओ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट सेट। आप देखिए मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। उधर लास्ट बेंचेस में गाइस, आप भी रुके, इधर लास्ट बेंच के लोग आप भी रुके। वो बोल रहा है पहले विजन बनाओ, पर वो बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में विजन तो बन जाता है, पर विजन के साथ साथ में आपने ये भी देखना चाहिए कि आज आप कहां पे हो। आप देखो आपका स्टेप नंबर 2 एग्जैक्टली यही लिखा है। वो 5 स्टेप्स का स्टेप देखो ना, ऐसे क्या मेरे पास देख रहे हो, ये नहीं का स्वॉट जैसा ना, एनवायरमेंटल मतलब ओटी है और ऑर्गेनाइजेशन एसडब्ल्यू है। तो पहले बोलते हैं विजन बनाओ, फिर चेक करो आप आज कहां पे हो, फिर वहां पे जाने के लिए स्ट्रेटजी होता है। पॉइंट नंबर 3 देखो स्ट्रेटजी है, तो 5 स्टेप्स है ना आपके आखिरी कॉलम में 3.3 पे, कौन सा पेज है, बराबर ना। देखो यही 3 स्टेप पूरा एग्जैक्टली वही नाम है, चौथा भी बोल रहे हैं इंप्लीमेंट करेंगे और 5 में इवैल्यूएशन करेंगे। सर ये क्वेश्चन है क्या, कुछ नहीं, वो बोल रहे ये मॉडल है। ये देखो क्वेश्चन का नाम देखो क्या, और उसकी ये डायग्राम भी है। सर एक बार बताओ ये मॉडल का, मॉडल मॉडल देखो, एक है थ्योरी एक है प्रैक्टिकल। वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो 5 स्टेप्स है ना, वो बोलते थ्योरी है। मैंने कहा ठीक है, फिर प्रैक्टिकल क्या, बोले इस तरह से मॉडल इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोस 5 स्टेप्स। वो बोल रहे प्रैक्टिकली जो है ना ऐसे इंप्लीमेंट होता है। मुझे तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस नजर नहीं आया, पर एग्जामिनेशन में अगर मॉडल का नाम लिखना है तो मॉडल होता क्या, देखो यहां पर क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन ने विजन देखना चाहिए, वही पॉइंट नंबर 1 है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिक विजन, कोई बात नहीं। उसके बाद में लिखा है द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस, अ चेंज इन एनी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन द मॉडल कैन नेसेसरी चेंज इन एनी और अदर कंपोनेंट्स। फॉर इंस्टेंस शिफ्ट इन द इकोनॉमी कुड रिप्रेजेंट मेजर अपॉर्चुनिटी, और लिखता है कि आपके ऐसा होना चाहिए, देयरफॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, इवैल्यूएशन। यानी कि वो बोल रहा है कि पहले आपने स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और बार बार इवैल्यूएशन इसलिए करना चाहिए बिकॉज आप जो सोचते हो वैसा कभी होता नहीं, कभी कभी, इसलिए बार बार इवैल्यूएट करो। इसलिए देखो एरो कैसी जा रही है, ये एरो क्या हो रहा है बताओ, एक बार चेक करो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये एरो, जो इवैल्यूएशन करने के बाद ये एरो वापस भी जा रही है, क्यों जा रही है। आपने इवैल्यूएट किया और आपको लगता है कि वैसा नहीं हो रहा जैसा आपने चाहा था, फिर आप अकॉर्डिंगली विजन चेंज करोगे। I'll repeat, ये देखो ये एरो 2 साइड में लगा हुआ है। देखो पूरे डायग्राम को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये पहले वाले फेज फॉर्मुलेशन है, चौथा वाला इंप्लीमेंटेशन है, पांचवा वाला इवैल्यूएशन है। तो पहले आपने विजन बनाया, ये स्वॉट किया और स्ट्रेटजी बनाया, ये सब फॉर्म यहाँ पे किया कुछ जैसे आप सोचते हो। चौथे में इंप्लीमेंटेशन चालू होता है और पांचवे में, तो बोलता है पूरे 5 स्टेप्स एक्चुअली 3 ही पार्ट में डिवाइड है, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन, स्टेप नंबर 1, 2, 3 फॉर्मुलेशन होता है, चौथा इंप्लीमेंट होता है, पांचवा जो होता है इवैल्यूएशन होता है। तो वो यही लिख रहा है, बस इस एरो को एक बार देख लेना, ये एरो जो है इधर से निकल के उधर भी जाता है, क्योंकि आप इवैल्यूएट जब करोगे
जैसे रैन बैग से नहीं चली तो आपको अपने विजन को अकॉर्डिंगली उस हिसाब से विजन मिशन को चेंज करना पड़ेगा। देखो भाई एग्जामिनेशन में है ना, लोड ने देखा मॉडल बोला तो पांच स्टेप से लेना सिर्फ डायग्रामेटिक फॉर्म में, पर उस डायग्राम में आप ये एरो जरूर कर देना ये ऐसे वाला और उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना, 1-2-3 बॉक्स को फॉर्मुलेशन देखो यहां लिखा है, फॉर्मुलेशन लिखा है फिर उसके इंप्लीमेंटेशन करना चौथे स्टेप्स को और पांचवे के नीचे इवैल्यूएशन लिखना है, ठीक है। देखो क्या है ना, दोनों में क्वेश्चन सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ वहां पे स्टेप्स में लिखना है, यहां पे डायग्रामेटिक लिखना है, यहां पे जो एरो है दोनों साइड से इधर भी एरो आना चाहिए इधर भी आना चाहिए, और पहले तीन स्टेप्स के नीचे आपको फॉर्मुलेशन लिखना है, फोर्थ के नीचे इंप्लीमेंटेशन और फिफ्थ के नीचे इवैल्यूएशन। लिखते क्या अभी? Yes, लिखो जल्दी से, चिट्ठी लगा के लिखिएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल देशनो जैन, क्या बोल रही है? हो गया लिखे? मैंने आपको मॉडल के लिए लिखने बोला था 3.18 मॉड्यूल में, के ले के साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़ के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां, कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। और गैस ये लिख दिया आपने? दोस्तों ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, प्लीज लुक हियर एंड लेट मी टेल यू दिस चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू दिस मेनी पार्ट्स। आपने अगर देखा होगा यहां पे तो चैप्टर नंबर 3 का जो चार्ट है ना उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है,
इसको अगर मैं देखता हूं यहां पे, आप क्या सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं मुझे? आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तैयार है? हमने समझा, लिखा, सब कुछ लिखा, फाइनल टच, फिनिशिंग टच देते इसको, उसके बाद में ऐसे करके आप फिर घर जाते। कितने लोगों को याद है बिजनेस डेफिनेशन क्या है? आपको डिफाइन करना है कि आपका टारगेट कस्टमर क्या है। बहुत ही सिंपल है, रोलेक्स। प्रीमियम कस्टमर, और यही अगर फास्ट ट्रैक वॉचेस है तो कॉमन मैन के लिए। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब तो आपको डिफाइन करना है आप किसके लिए बने हो। कोई मुझे बताएगा दोस्तों, आप में से बिजनेस मॉडल कौन होता है? मॉडल, मॉडल का मतलब क्या है? अभी क्या, अभी आपको वो भी याद नहीं आ रहा? मॉडल यानी कि एग्जाम्पल है जियो का मॉडल और एयरटेल का मॉडल अलग होता है। एम एक्स प्लेयर, दोनों के मॉडल अलग है क्या? एक ध्यान है या मैं बंद करूं? आप पहले बातें बंद करेंगे फिर मैं आगे आता। दोस्तों, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, क्या दोनों का मॉडल अलग है? कौन सा फ्री है, कौन सा पेड है? कौन सा एड से पैसे कमाता है और कौन सा आपसे कमाता है? क्या एक ही इंडस्ट्री के दो प्लेयर का मॉडल अलग हो सकता है? मॉडल यानी कि आपके रेवेन्यू के सोर्स और आपके चार्जेस, इसके बारे में बात करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं विजन और मिशन का डिफरेंस क्या है? कितने लोगों को याद आ रहा है विजन मिशन? भूल गए? याद है। विच वन आंसर्स वेयर वी वॉन्ट टू बी? विच वन सेज वॉट वी आर वॉट वी डू? कौन सा फ्यूचर ओरिएंटेड है, कौन सा प्रेजेंट ओरिएंटेड है? किसकी वजह से कौन अच्छी होगा? मिशन कैसे विजन अच्छी होगा? मित्रों, आपको मुझे बताना है कौन सा सक्सेस है। मिशन, मिशन बोल रहे को समझ रहे ना दोस्तों? कौन सा की ऑफ सक्सेस है मित्रों? विजन तीन कंपनी की आपको बताना है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऑफ इंडिया, Amazon to be the most customer centric company in the world, Airtel the globally admired telecom company। विजन में एक सवाल था, एलिमेंट्स ऑफ विजन, ओला कैब्स का एग्जाम्पल लेंगे आप? मैं कहां हूं, कहां जाना है और मुझे बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। ओके, मिशन के ऊपर दो सवाल थे। पहली बात तो मिशन लिखते समय कौन सी बातों को सोचना चाहिए, व्हाट फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट। आपको नहीं याद, आप देख लिया, आप कुछ भी वाहियात बोल रहे हो। मिशन लिखते समय याद रहना चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए, लिखते समय जाने कि वो कस्टमर के लिए बना है
और वो हमारी ताकत यानी कि हमारी कॉम्पिटेंसी एक्टिविटी इन तीनों का प्रदर्शन करे। आपने पहले लिखा याद नहीं है, फिर मैंने आपके लिए ऐसा कुछ बनाया था फिर भी आप भूल गए, फिर मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया इसलिए वापस चौथी बार लिख दिया। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जो है ना आपको खुद को एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, है ना। अब इससे ज्यादा क्या रिवाइज करूंगा मैं। मिशन लिखते समय आखिर मिशन लिखते क्यों है, आप बताएंगे दोस्तों मिशन को क्यों लिखा जाना चाहिए। कहते हैं मिशन इसलिए लिखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एयरटेल है और मैं बोलता हूं कि मैं एरर फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं एसपीसी में बोलता हूं मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो जितने भी टीचर्स होंगे सब में यही बोलेंगे कि हम लोग ऐसा ही करेंगे। एक स्टैंडर्ड बन जाएगा जनरल, किसी स्पेसिफिक एक टीचर का नहीं होगा। एयरटेल कह रहा है कि मैं एरर फी दे रहा हूं, यानी कि सारे ब्रांचेस एरर फी देंगे, मतलब जनरल हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, इससे नीचे नहीं आना। समझ गए मित्रों? मिशन तीन कंपनी के एग्जाम्पल दीजिए आप। यूट्यूब, वी प्रोवाइड फास्ट एंड एयरटेल, एरर फ्री टेलीकॉम सर्विस। तीसरा एग्जाम्पल गूगल एंड मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। दोस्तों इन सारे मिशन स्टेटमेंट को देख के आपको क्या लगता है वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सबको क्या मिले और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। वो लिखते क्यों है मिशन स्टेटमेंट? इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करें। ये सारी चीजें है कि मिशन क्यों बनाते हैं। ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही है। मिशन नहीं बनाए तो सब कुछ लोग कुछ भी करेंगे अलग अलग, मिशन के साथ सब लोग एक जैसा करेंगे, जनरल टोन आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। वो आपको मोटिवेशन है, फोकल पॉइंट और गोल्स है, याद आएगा तो अच्छी बात है। दोस्तों देखते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस कितने लोगों को याद आ रहा। गोल्स और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस याद है? ऑब्जेक्टिव्स आर डेवलप टू अचीव, कौन से मेजरेबल, कौन से स्पेसिफिक, मार्केट शेयर बढ़ाना है, गोल्स इतने साल में इतना बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव्स बोला आप। मित्रों दो साल में मार्केट शेयर टाटा का 25% से बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव। अब बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। यू आर स्मार्ट, यू से अंडरस्टैंडेबल, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाइंडिंग, चैलेंजिंग, अप्रेजल यानी कि होने के बाद हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे। 15 दोस्तों वंस अगेन, यू आर एस स्मार्ट, यू फॉर यू आर एस स्मार्ट, स्पेसिफिक मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल चाहिए, रेलेवेंट चाहिए, टाइम बाइंडिंग चाहिए, चैलेंजिंग चाहिए, अप्रेजल। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं उसको? टाटा मोटर्स में मेजरेबल क्यों बोलते हैं? 25% गोल्स मेजरेबल होते हैं, सिर्फ बोलेंगे मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, किसमें कितना कुछ पता नहीं। अभी अभी हमने दो क्वेश्चन देखे थे बातों ही बातों में, इसको इधर डायग्राम में ड्रॉ किया था। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल और ये है स्टेप्स, पांच से बताएंगे। सबसे पहले याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास में सन फार्मा, पहले क्या बनाएंगे
फिर क्या करेंगे? किसका बाहर का है, अंदर का, दोनों का भी? फिर क्या करेंगे? यहां से यहां पहुंचने के लिए, और फिर उसी को ही हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इसी को तो आप जानते क्या करना है, और डायग्राम करना है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेंट्स। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कितने लोगों को याद आ रहा है? क्या है ये? ब्रेक होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया था, जियो का 1.5 लाख करोड़, दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा। आपने और एक देखा होगा, फेसबुक ने इंस्टा को एक्वायर किया था $1 बिलियन। बताओ बच्चों, एक छोटे छोटे डिसीजन हम लोग थे, ये आइसक्रीम खाना के, वो आइसक्रीम खाना, ये सब छपरी फालतू डिसीजन है। पर ये डिसीजन जो है ना, ये क्या है, गलत हो रहा है, कंपनी हार नहीं तो पा रहा होगी, ये बड़े डिसीजन है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा। ऐसे फैसले कौन लेता होगा भला? अब जियो को लॉन्च किया था 2010 से, उसके फायदे 22 में हो रहे, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, फ्यूचर के लिए क्या पास के लिए? ऐसे फैसलों के लिए ज्यादा पैसा लगता है कि कम? लार्ज रिसोर्स। एक बात पूछूं, ये अगर डिसीजन खराब हो गया तो आपकी लग जाएगी, मल्टी फंक्शनल इफेक्ट होगा इसका। और एक बात पूछूं, ऐसे फैसले जब लेते हैं तो आपको क्या इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए? टाटा कोरस को एक्वायर करेगा तो कोरस की पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कोरस कंपनी क्या बेचती है, वहां के प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचर क्या होगा, यूके के लॉ क्या है, वहां के एम्प्लॉयज कैसे है। अरे आप एक मोबाइल लेते हो तो 10 लोगों को पूछते हो, यहां पे 1.5 लाख करोड़ डालेंगे तो बहुत लोगों से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे? तो इसलिए बोलते हैं बहुत सारी एक्सटर्नल इंटरनल आपके इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। यू गेटिंग मी गाइस? इसी के साथ में दोस्तों सब रिवाइज हो गया। अभी आएंगे ICI पे। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? ये चैप्टर इतना ही है, सुन लेना। जब भी आपको मैं आपको पढ़ाई करने एक तरह, अच्छा जितने लोग GDPD में और आप लोगों से कह रहे हैं, एक बात सुनिएगा, डाउट आने पर वहां पर डाउट रेज करेंगे, पता नहीं ऐप पे भी और वहां पे भी, 24 से 48 घंटे में जवाब आएगा। एक नंबर वन। नंबर टू सूचना है, एग्जामिनेशन के पहले जो भी रिवीजन लेक्चर हमने YouTube पे डाले हैं वो आपको देखना है, कम से कम समय में रिवाइज होगा, मेरे क्लास के बाद भी उसको देख सकते हो। तीसरी बात दोस्तों, जो टेस्ट आपको जो डेट दी हुई है, जो कल हमने डिस्कस की थी, उस डेट पे आप देंगे। मैंने कल उसमें एक सुधारणा करी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फोर्थ, क्या क्या डेट दी थी मैंने, फोर्थ, हाँ इधर देख लीजिए मैंने क्या बोलना है उसमें। 4 तारीख को आप FM की बात कर रहे थे, एक मिनट से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। याद है ऐसा, इन दोनों में से और करना है, और ये जो यहां पे सिर्फ SM होगा, यहां पे भी सिर्फ SM होगा, 1, 2, 3, 4 ये भी 50 मार्क्स के लिए, और ये होगा 100 मार्क्स के लिए ऑन ES एंड SM फुल सिलेबस। ये FM का और ये भी FM का, मतलब इकोनॉमिक्स का भी। बोलो बच्चों ये क्या है, FME को 100 मार्क्स देंगे ना?
एक तो अब 4 तारीख को देना तेरा, कितने लोग देने वाले सच बताओ। तुम इस सच में बहुत झूठ मत बोलना मेरे से। दोस्तों क्या अच्छा, जो लोग यहां पे आना तो यहां पे आए, वहां पे रहे तो वहां पे रहे, आपके ऊपर डिसाइड होगा। और एक बात सुन लेना, आपकी क्लास का, आपकी जो टेस्ट का टाइम होगा, वो टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, 10 से 10 से 11.30। और जब 3 घंटे की टेस्ट होगी तब होगा 10 से 1। कभी भी टेस्ट 10 बजे चलो, वही बोला ना, जिसको यहां पे आना तो यहां पे आए, और जिसको नहीं आना वो ऑनलाइन सबमिट करे। जितनी भी टेस्ट है जीडीपीडी वाले मुझे एग्जामिनेशन तक दे सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए ये डेट एप्लीकेबल है, पर गलती से किसी का बहुत ही जेन्युइन रीजन है, आप लोग एग्जामिनेशन तक सबमिट कर सकते हो। पर इसको मेरा वो मत समझना, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मुझे कल बताया सर हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है। इन दैट केस ओनली यू आर अलाउड टू गिव टिल द एग्जामिनेशन। आप वो सी सहूलत है, आपके लिए मजबूरी है कि आप एक दो इस बहाने से पढ़ाई हो जाएगी। आप आपके दिमाग में यही रखना, अगर मैंने बोल दिया आपको एग्जामिनेशन तक दे सकते आप तो फ्री हो जाओगे, ऐसा मत करना। इस बहाने से पढ़ाई कर लेना यार, बहुत मेहनत की हमने, वो वेस्ट हो जाएंगी कसम से। सुन लो बच्चों, अभी मुझे इस चैप्टर के आईसीए का पेपर सॉल्व करेंगे 10 मिनट में और फिर आप जाएंगे घर पे। आर यू रेडी गाइस? दोस्तों ये इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस आपके सामने, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहे देखते बच्चों कौन जवाब देगा, हाथ ऊपर करे। विजन 2 मार्क के लिए पूछा है, कितने लोग विजन के बारे में जानते हैं? विजन के बारे में 3 लाइन, इट आंसर्स व्हाट वी आर, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी, फ्यूचर, फ्यूचर है क्या पास्ट है, ये आपको क्या दिखाता है, विजन सक्सेस है। विजन के ऊपर और एक लाइन बताओ, ये आपको पाथ यानी कि डायरेक्शन दिखाता है। विजन ही नहीं पता तो डायरेक्शन, इट इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। स्ट्रैटेजीज विजन के हिसाब से बनती है, विजन स्ट्रैटेजी के हिसाब से, स्ट्रैटेजीज आर मेड। एक कोई भी कंपनी का विजन बताओ, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक। दोस्तों देखते हैं आगे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन मिल गए, 2 मार्क्स आपको, और एक क्वेश्चन देखिएगा, 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए। टेन बी का आंसर बहुत लोग कम दे पाएंगे, बहुत ही जीनियस बंदा आंसर देगा इसका। अभी अभी आपने इसके लिए चिट्ठी लगाई थी, कहते हैं 3 नंबर में फॉर्मुलेशन करते हो आप, 3 नंबर में से सोचा गुरुकुल लगाना है, 4 में इंप्लीमेंट करने समय क्या चीजें करना पड़ती है, क्या लगाना पड़ेगा गुरुकुल के लिए, पैसा, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, लीडरशिप, ट्रेनिंग, एथिक्स, रूल्स, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गए? 5 मार्क मैंने कहा था ना, वो 5 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 4th इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर का, वो अंदर का पूछा। देख कैसे कमीनापन करते हैं लोग, वो 5 पूछना ना 4th में गुजर के पूछा 5 मार्क के लिए। ये हिडन क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। अगला सवाल यहां से खत्म हो गया। नवंबर 18 बहुत ही अभी अभी थोड़ी देर पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा हमने, एसएमएम का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। डायग्राम कितने पार्ट में डिवाइड होंगी, 1 फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन में 3 पॉइंट्स है, पहले विजन देखेंगे,
स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, ये अलग है, फिर बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, और एरो इधर से लगेगा उधर से, उधर से, यही है दो मार्क के लिए। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं विजन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट के अंदर था ना वो पांच चीजें थी, ऐसे गोल 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 ऐसा था, याद है? वो पहले विजन था, फिर मिशन था, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, पांच कॉन्सेप्ट है। आप उसको सबको मिला के इंटेंट बोलते हैं। बाप रे बाप, को कुछ नहीं याद आ रहा। वो बोल रहे इंटेंट बढ़ाएगा विजन। अरे इंटेंट में पांच चीजें आती है ना, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। तो बोल रहे विजन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ इंटेंट। सही है ना, इंटेंट एक बड़ी चीज है, उसमें पांच चीजें, ये ट्रू है। आगे बढ़ेंगे, तो ये पांच चार चीजें और भी है ना, तो इंटेंट में तो पांच, तो उसमें से एक वन ऑफ दी थी, ब्रॉडर है ना एक। तो दोस्तों जवाब देना इसका, जवाब दो मेरे सवालों का। May 2019 देखते कितने लोग जवाब देंगे इसका। 8A का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यू आर स्मार्ट सी ए। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है कि गोल्स? ऑब्जेक्टिव आर मेड टू अचीव। दो साल में सीमेंट में 25% कमाएंगे, बताएंगे ऑब्जेक्टिव। यू आर स्मार्ट सी, यू फॉर व्हाट? एस फॉर एम फॉर ए फॉर आर फॉर रिलेवेंट टी फॉर टाइम बाइंडिंग, अरे वाह, सी से चैलेंजिंग, ए से अप्रेजल। तालियां बजा दो अपने लिए। आप सभी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप अंत तक पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत डिवोशन चाहिए जो आप सभी में है। आप सभी ने बहुत दिल से पढ़ाई करी है। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने नहीं किया होगा, एक मिनट रुकिएगा, आप उनको जरूर बताएं जिन्होंने क्लासेस अगर 3 दिन पहले खत्म कर दी होगी और नहीं पढ़ा होगा, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना आपको आ रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस गेनिंग सेशन ही रिवीजन होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जवाब दे सकते क्या? जवाब दो। 5 मार्क के लिए कौन जवाब देगा? कहते हैं कि मिशन लिखते समय आपने कौन सी बातों को सोचना चाहिए? मिशन लिखते समय आपने 4 बातों को सोचना चाहिए। बात नंबर 1, वो यूनिक होना चाहिए, स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए, वो आपके कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, और आपकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी का वो अंदाजा दिखाए, शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। इन्होंने ये भी पूछा कि वाई मिशन, साला हलकर 5 मार्क में कितने सवाल पूछ रहा है। बोलते हैं कि मिशन क्यों लिखना चाहिए, क्यों? याद है 6 पॉइंट्स है इसमें, 3 पॉइंट एक जैसे ही है, क्योंकि आपकी यूनानिमिटी आए, जनरल टोन आए, स्टैंडर्ड आए, मोटिवेशन दिलाए, फोकल पॉइंट हो सके और आपके गोल्स अचीव हो सके। कितने लोग आ गए? क्या बात है, अच्छे से पढ़ा है आपने, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। मत करे बहुत अभी ज्यादा, प्लीज डोंट। November 20 में अगला सवाल आप सभी से, कैन यू आंसर दिस? यहां पे क्वेश्चन है,
नाइन बी आप बताएंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन। विजन के ऊपर तीन चार पॉइंट बताएंगे। विजन इज फ्यूचरिस्टिक और प्रेजेंट। इट आंसर्स व्हाट वी आर व्हाट वी वांट टू बी। विजन टॉप लेवल बनाता है क्या बॉटम लेवल। विजन सक्सेस है की ऑफ सक्सेस। विजन के हिसाब से स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी के हिसाब से विजन। विजन को अचीव करने के लिए ही दोस्तों आपको दो तीन कंपनी का विजन बताना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट का विजन, अमेजॉन और अमेजॉन मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड। कितने लोग आए विजन? सब आ रहा है मेरे अच्छे बच्चे हैं आप तो। यही क्वेश्चन अभी हुआ था, आप देखो क्या लिखा है। स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने लोगों को याद है कौन सा स्टेप है? ये थर्ड है क्या फोर्थ है? पांच स्टेप्स का नाम बताओ। एक विजन है, एक एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और चार में इंप्लीमेंट। तीन में सोचा गुरुकुल बनाएंगे, चार में इंप्लीमेंट करना है। तो बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? स्टाफ लगेगा, लीडर लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, पॉलिसीज, एथिक्स, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, रूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों जुलाई 21 से सवाल है। मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत देर तक रुकाया है और एक दिन बर्दाश्त कर लेना मुझे। ये आपके लिए बना है, पांच मार्क के लिए। परसों से कोई रात में नहीं रुकाएगा आपको 9 बजे तक। आपसे सवाल है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर, आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन याद करना है, उसका डायमेंशन बताना है। एक काम वाली भाई को हायर करना है, ये डिसीजन नहीं है, ये मोबाइल लेना है क्या, वो मोबाइल लेना है। कैन यू प्लीज टेल मी थ्री बिग एग्जांपल। बिग टाटा ने कोरस को एक्वायर किया $12 बिलियन, फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन, जियो को लॉन्च किया 1.5 लाख, और भी बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। बताओ इसकी 6 बातें मैं कुछ पूछूंगा, ऐसे फैसले टॉप लेवल या बॉटम लेवल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, फ्यूचर या पास्ट, इसको लार्ज कैपिटल लगता है या टाटा जब कोरस को एक्वायर करेगा।